नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्वलंत समस्याओं के निपटारे के लिए आंदोलन। जी हां, फिर एक आंदोलन होने वाला है। कल ही 14/9/2021 की प्रदर्शन कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाए। जी हाँ, 14/9/2021 को एक प्रदर्शन होने वाला है और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने का आह्वान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। BSNL EU की हैदराबाद CEC मीटिंग के निर्णय के अनुसार और BSNL EU AIBDPA और BSNL CCWF की कोऑर्डिनेशन कमेटी में आंदोलन कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। आंदोलन कार्यक्रम का पहला चरण कल पूरे देश में हो रहा है। जी हां, कल जो है पहला चरण पूरे देश में हो रहा है। तदनुसार कल 14/9/2021 दोपहर के भोजन अवकाश में प्रदर्शन आयोजित किए जाने चाहिए। BSNL EU की सर्कल और जिला यूनियन से अनुरोध है। जी हां, BSNL EU के सर्कल और जिला यूनियन से अनुरोध किया गया है कि AIBDPA और BSNL CCWAF के साथ समन्वयपूर्वक प्रदर्शनों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पहल करें। कर्मचारियों, पेंशनरों और संविदा कर्मियों की ज्वलंत समस्याओं की समाधान की मांग को लेकर यह आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तृतीय वेतन संशोधन, पेंशन संशोधन, संविदा कर्मियों के वेतन का बकाया भुगतान, चिकित्सा बिलों का निपटारा, सभी LIC आयोजित करना, डायरेक्ट रिक्रूट कर्मचारियों के 30% सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान और अन्य मुद्दे शामिल है। प्रत्येक नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, पेंशनर व संविदा कर्मी को आंदोलन का संदेश देकर कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाए। तो दोस्तों, कल फिर एक आंदोलन होने वाली है जिसमें BSNL के बहुत सारे कर्मचारी लोग भाग लेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं ताकि आप लोगों की समस्या पर BSNL प्रबंधन कमेटी जो है ये ध्यान दे सके और आप लोग का समस्या समाधान हो सके। धन्यवाद दोस्तों।